उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई युवती की मौत के बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इंदौर में भी लोगों ने जमकर आक्रोश देखने को मिला। बलाई समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित होकर रोष जाहिर किया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए मृत युवती के लिए न्याय की मांग की गई है। ये पढ़ के बता हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। हमारा समाज संतुष्ट हो, हमारा समाज। उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस में हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में चार दरिंदों ने जो बलात्कार करके जीप काट दी, गर्दन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी और निर्मम हत्या करी, ऐसे नर पिशाचों के लिए फांसी की मांग को लेकर आज समस्त दलित समाज यहां पर अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर फांसी की मांग की। आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा हो, ऐसी मांग को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए।